I'm gonna make you mine.
Yeah.
श्रवण सुना
Oh,
मातमों सजन आवे को आन मिलावे आज मैं फिर मेल मिलावे। तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की पावन मुकदस पवित्र हजूरी विच शुभ लीक गुरु रूप साहिब सिंह जीओ जिस शिद्दत नाल जिस तरले नाल सतगुरु जी उस साजन नूं आवाज मार रहे हैं बाणी पढ़न का सानू अभ्यास रोज दा करन दा इहो हुक्म है कि असीं उस डूंघाई तक जाके उस तल तक जाके अपने मन की हूक उस साजन तक पहुंचा सकीए। परेशानियां दा तकलीफां दा दुखां दा कारण ही यह है जदों कोई तुरे नालों टुट जाता है उहदा फिर जिहड़ा जीवन है वह निरंतर नहीं रहिंदा। किसी चीज़ नूं भी तुसीं वेख लो आ माइक है जिस विच असीं बोल रहे हैं पखे लगे हुए ने लाइट जगदी पई है यह तां कारगर हन जे इन्हां दा किते ना किते कनैक्शन जुड़िया होया है एक पावर नाल एक हस्ती नाल एक बूंद नाल। जिन्नी देर तक कोई जुड़िया हुआ है उन्नी देर तक वो चल सकता है उहदे तो बगैर उहदी मेहर तो उहदी बख्शिश तो बगैर जीवन जीवन नहीं रहिंदा। मनुख बुत बन जाता है नचदा फिरदा है टपदा फिरदा है पर कोई मंजिल कोई उहदा टारगेट नहीं है। पर जदों तुरे नाल जुड़िया होवे फिर उहदा मकसद है। इस करके सतगुरु जी ने बाणी विच बहुत थाई बिना शक मनुखता ए संसार गिनती विच भरपूर है पर इस भरपूर भरे हुए संसार विच जिंदा कोई कोई है। जे जीवन नहीं ते जीवन किस राही किस दी कृपा दे नाल जीविया जा सकता है। सतगुरु जी दे पावन बोल तुसी पढ़दे हो आखां जीवां विसरै मर जाओ उहदा विसर जाना ही उहदा भुल जाना ही मौत है। और इस मौत तो बचन वास्ते उस साजन नूं आवाज मारनी पैनी है कि आ मेरे साजन मैं तेरे दीदार करा तेरे दर्शना दी तांग है। आओ सजना हो देखा दर्शन तेरा राम घर अपने डह खड़ी तका। एक बड़ी कमाल दी साध संगत दी बाणी दे अर्थ खोजन लगीए ते अगां तो अगां सानूं जाना पैंदा साजन नूं आवाज मारन वास्ते भी अपने घर विच पहला आना जरूरी अपने निज घर विच आके टिक के उस साजन नूं सद मारना। हुण घर विच ते आया नहीं बावरिया वांगू जे चीकां मारदा फिरेगा बुलाउंदा फिरेगा ते साजन पुछेगा कि आना कित्थे है। पहला उह घर अपना बनाना पएगा निज घर विच आके वसना पएगा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी बाणी विच बहुत सारे शब्द इस तरह के सानू बख्शिश करते ने फिर घर वैसो हर जन प्यारे फिर होना अस्थिर होना टिक जाना यह बड़ी वड्डी बख्शिश है। बड़ी वड्डी परेशानी है कि अज जिंदगी विच टिका ही नहीं हिमा कर देना जी बड़ा कुछ बोलिया जा सकता है टिका कितने नहीं महाराज कहते ने सहस कटे लख को उठता है साडा रोजा का सहस कटे लख को उठता है तृप्त ना आवे माया पक्ष पावे। सो यह मनुखी सुभा है कि जो प्राप्त हो गया है दस वस्तु ले पाछे पावे उन्होंने पिछे वह कहता कि हुण हो गई है यह चीज पर एक वस्तु कारण विकोट को आवे यह पीना दे दस पीहर ले तुसीं रोज सुनदे बाणी पढ़न वाले हो इस करके फिर हो जाना
टिक जाना टकाल च आ जाना यह भी उसकी बख्शिश तो बगैर नहीं हो सकता। जो फिर होवांगे फिर उस साजन नूं सत मार के उन्हें सदा दे के बुला के घर अपने खड़ी तकां मैं मन चाहो कनेरा रहा मेरे मन में चाह है उत्साह है कि मैं तेरे दीदार हो जाए। सो सत सिंह जी कोटान कोट शुकराना है धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी का। जिस बाबत साहब जी कहते हैं रत्ना रतन पदार्थ बहु सागर भलिया राम बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। जिमें जिमें इस सागर में डूंघाई में मनुख उतरता जाएगा जिंदगी कदम दर कदम सा दर सा दिन ब दिन बदलती है। मनुख की स्थिरता मनुख का मन टिका जरूर आ जाना चाहिए है हौली 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 उस परमेश्वर वाहिगुरु जी के पाव चरणों के नाल टिक जाना चाहिए है। क्योंकि सत संगत जी जिनी देर तक टिका नहीं उन्नी देर तक समझ नहीं आनी कि कितने तो किमें बात करनी है। सो सतगुरु मेहर करन आप सारिया संगतों का बहुत 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 धन्यवाद है। सारे नौजवान कीर्तनिया वीर मेरे सामने बैठे हो मैं अब किसी का भी ना नहीं लैना क्योंकि बड़ी लंबी लिस्ट है। सारे के चरणों में ही मेरी नमस्कार है कि तुम वो माण बख्शते हो साढ़े भी फिर जिमें पंजाबी कहते ना साढ़े वास्ते बड़ा सवाल खड़ा हो जाता कि तुम असं किमें खुशी लै सकते हो। सो तुम प्यार देंदे हो गोल्डी जी का मैं बहुत धन्यवाद करता जेडे बड़ी ही जान जान वाला साज है तबड़ा बहुत जान मांगता है हर एक चीज़ ही वैसे तो एकाग्रता मांगती है रियाज गाना जोड़ा है इंस्ट्रूमेंट ही तुम क्यों ना बजाना होते वो वास्ते भी मन टका सोच उस तरीके की होनी चाहिए है कि जितने तुम किसी अज अं बैठे भी गल कर रहे सी मेरे मन की सोच जो मेरे मन में उपज रहा है वह किसी को किमें चैन दे सकती है। जो मेरे मन में आ रहा है जो आदि संगीत की बाणी की शब्द की या किसी राग की किसी सुर की सुर कॉम्बीनेशन की कोई आमद मेरे जी दिमाग में आ रही है वह किसी को किमें तसली दे सकती है। वह गुरु की रहमत तो बगैर नहीं हो सकता सत श्री गुरु की बख्शिश तो बगैर नहीं हो सकता। मैं हरविंदर सिंह का भी धन्यवाद करता अब ये थोड़ा जहा बड़ा जागरण करके खराब है थोड़ा जहा। दूसरा सानू सब तो वड्डी मार पै जाती है साउंड सिस्टम की साउंड सिस्टम जो अपने अनुकूल ना हो बैलेंसिंग ना हो तरीके चीज़ ना हो उस इस सारे माहौल बिखरे हुए माहौल कंट्रोल लैके आना बहुत मुश्किल काम है बहुत मुश्किल काम है। सो खैर आप जी ने प्यार बख्शिया असीस बख्शी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ जी। एक शब्द मैं अपनी मर्जी नाल तीन चार मिनट का होर पढ़ के कीर्तन की समाप्ति करांगा। शब्द बड़ा प्यारा है मेरा बड़ा मन खुश होया इस गुरद्वारा साहब जी आके बड़े प्यार वाले प्यार का प्यार बाणी बाणी के धार्मिक सिंघा के जो दर्शन होए तो मेरे मन में यह शब्द आया कि आवै साहिब चित तेरे भगतां लिखिया हे साहिब तेरे नाल जुड़े होयां नूं वेख के तेरा चेता आता है। तो ये गुरद्वारा साहिब ये जिहड़े स्थान बनते हैं ये इस करके बनते हैं कि इतने वो एटमोसफेयर हो माहौल हो जिते साडा मन टका विचार है। आओ जी सारे प्यार नाल एक पवित्र शब्द पढ़िए कीर्तन की समाप्त मन की कटी है मैल साध संग उठिया धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी में बैठ के मन की मैल कटी जा सकती है। मन की कटी है मैल साध संग उठिया आवे साहिब चित तेरे भगतां लिखिया। मैनू सत संगत जी अज होर भी खुशी है कि मेरे दोवें वीर ये गगनदीप सिंह ते भाई कुलदीप सिंह मेरी मासी जी के बेटे हैं असी कजन हाँ और इन्होंने बड़ी दूरों चल के आए हैं भाई का नाम भाई उकार सिंह जी इन्होंने लैके आए और मैं खुशी है कि सारे सुरीले वीर हो
मैं किदा किदा नाल आवां, मेरे वास्ते बड़ी मुश्किल है, मैनूं माफ कर देना जी। सारिआं दा ही मैं मशहूर हाँ, धनवादी हाँ। ये मेरे वीर ने बड़ा सुरीला कीर्तन करते ने, हुण इत्थे इन्हां ने मेरे को, मैं कह सकता मान नाल कि हाँ मेरे को रहे ने, मैं सिखाउण वाला ते नहीं, पर हाँ मेरे नाल रहे ने, शायद सानूं वेख वेख के थोड़ा इन्हां नूं पछाण आया। सो सारिआं दा धन्नवाद जी, खास करके इस गुरद्वारा साहब जी दे बड़े प्यारे सुचज्जे प्रबंधकां दा। कल भी जिते असीं गए से बाबा जी दे स्थान ते, बहुत बहुत मन जितया, उत्थे बड़ा आनंद बनिया कीर्तन दा। अज काफ़ी सारे वीरां दे मैसेजेस आते रहे फेसबुक ते कि भाई साहब बड़ा आनंद बनिया। असल विच सत संगत जी, एक बुत कोई आनंद नहीं बना सकता, सिर्फ गुरु जदों वरतदा उदों आनंद बन जाता है। बात कोई इह समझे मेरे वर्गा के बड़ा वधिया मैं वाजा वजा के कीर्तन कर सकता, कोई मत समझे कि बहुत उच्चे उच्चे आराम लगा के तबला बजा के यह आनंद बन जाता, नहीं, आनंद बड़ी दूर की गल है। आनंद सब को कहे आनंद गुरु के जाए। सो गुरु की बख्शिश जो वरतती है तो आनंद बनता है। सतगुरु रहमत करे, अज भी सतगुरु जी ने मेहर की कोशिश की है असी कि वह आनंद फिर बढ़ सके। आप जी प्यार I'm sorry.
ਸੁਣੀ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ
कि यह साड़ी मर्यादा है और यह सिर्फ गुरुद्वारों में हजूरी कीर्तनी है या हजूरी कथा वचक रख के साड़ी ड्यूटी नहीं निबड़ जाती, उन्होंने सुनना उन्होंने समझना भी साडा फर्ज है सत संगत जी। सो भाई साहब जी इन्होंने बड़ा उद्यम किया है वीर ने कि आप जी के बच्चों संगीत जोड़न वास्ते उद्यम किया है वर्कशॉप जो हो रही है 26, 27, 28, 29 की पहली तक इन्होंने जो डेटा नियत कीतिया हैं। आप जी सारी संगत को बेनती है कि भरपूर लाहे लो जी, अपने बच्चों प्रेरणा दो तो ये जोड़ा इन्हों का उद्यम है वह सार्थक हो सके। आओ सारे मिलकर आनंद साहब जी का कीर्तन करिए कीर्तन दी वाह।